खबर थाना दन्नहार क्षेत्र के ग्राम नगला तुला से है, जहां 19 वर्षीय युवती निशा पुत्री रूपराम ने अपने पिता की 12 बोर की लाइसेंस बंदूक से अपने घर पर ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। मृतक युवती ने हाल ही में इंटर की परीक्षा पास की है, तो वहीं पर युवती की माता ने बताया कि उसकी पुत्री निशा किसी अन्य लड़के से प्रेम करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते थे। उसकी शादी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। इसी बीच पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने भी बताया, युवती की हत्या का राज जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुल पाएगा। किस वजह से आज उसने गोली से अपनी मौत की है? उसने दूसरे लड़के से शादी करना चाहती थी, पर सोनियानी मैंने ये मेरे घर से आया था, लड़का देखने गए थे, वो करना नहीं चाहती, इसलिए गोली मारी। क्या गांव का ही लड़का था? नहीं, आन गांव। आपकी कास्ट का था? नहीं, जाट का। और आप लोग? जाट का। मैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, रूप राम जी आज पोस्टमार्टम आए हुए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं, क्या घटना हुई है? अच्छा, क्या उम्र रही होगी? 18 साल के आसपास। अच्छा, क्या नाम था? अच्छा, क्या कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई? तो कोई कारण पता नहीं लग पाया, तो आपको सूचना कैसे हुई? फोन करो घर से। अच्छा, आप कहाँ थे उस टाइम? काम करते हैं क्या? तो मकान है भैया। अच्छा, ये प्रकरण थाना दन्नहार के ग्राम नगला तुला का है। आज सुबह लगभग 7:15 बजे थाना दन्नहार पे ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव में ही एक 18-19 वर्षीय युवती ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना दन्नहार की पुलिस, चौकी कीरतपुर की पुलिस और क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा गांव में जाकर देखा, सबको कब्जा पुलिस में लिया गया, उसका पंचायतनामा कराया गया, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव घर वालों ने ये बताया कि युवती के पिता के नाम 12 बोर की लाइसेंस बंदूक है, इसी से उसने मारकर आत्महत्या कर ली है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई।